कशेड़ी घाट मुंबई गोवा हाईवे, इस जगह की बहुत सी कहानियां सुनी है, यूट्यूब पर गूगल पर कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। यहां पर जिन लोगों के साथ हादसे हुए उन लोगों का ऐसा मानना है इस हाईवे पर एक स्पिरिट दिखाई देती है जिसके दो रूप हैं। उनके हिसाब से एक आदमी यहां लोगों से लिफ्ट मांगता दिखाई देता है। उस आदमी के चेहरे पर गर्दन पर कई खरोचों के निशान हैं। अचानक हाईवे के बीच वो आदमी गाड़ी के सामने नजर आता है। उसे देखते ही जब ड्राइवर उसे बचाने की कोशिश में गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से कई हादसे हुए हैं। ये तो था उस स्पिरिट या घोस्ट का पहला रूप। दूसरा रूप बताया जाता है सेम यही आदमी कई और लोगों ने एक सरकटे के रूप में देखा है। हाईवे से जाते वक्त आपको रोड साइड एक आदमी बैठा दिखाई देता है जिसने खुद को एक कंबल से ढका हुआ होगा। उस आदमी के पास से गुजरते ही आपकी गाड़ी अचानक बंद पड़ जाएगी। आप मदद के लिए उस आदमी की तरफ देखोगे, उसे आवाज दोगे, तब उसका कंबल उसके शरीर के ऊपर से सरकेगा और आपको दिखाई देगा एक सरकटा। उसकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा नहीं होगा और आपको गर्दन से बहता खून उसके शरीर से नीचे टपकता दिखाई देगा। बताया जाता है ये दोनों स्पिरिट या घोस्ट एक ही आदमी के हैं। आखिर इस जगह की बताई गई कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, पर इस जगह की एक कहानी मेरे पास आई। दो लड़के जो वहीं एक कंपनी में काम करते हैं, दोनों को ड्राइविंग का बहुत शौक है, अक्सर रात को निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। 2022 दिसंबर महीने की बात है, दो चार दिन की छुट्टियां थी। नरेश अपने दोस्त स्वप्निल को कहता है, यार काफी दिन हो गए कहीं गए नहीं, ऑफिस की छुट्टियां भी हैं तो चल आज रात कहीं घूम के आते हैं। स्वप्निल ने पूछा जाएंगे कहाँ, नरेश कहता आज मुंबई गोवा हाईवे की तरफ चलते हैं। अभी तक इन दोनों में से किसी को भी यहां के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। यहां की कहानियों से अनजान ये दोनों रात 8 बजे घर से निकलने का प्लान बनाते हैं। जल्दबाजी में बनाया गया ये प्लान उन्हें कितना भारी पड़ने वाला था उसका जरा भी अंदाजा था नहीं इन लोगों को। हाईवे पर रात को ड्राइव करना आसान काम नहीं है, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, कुछ जगहें तो इतनी सुनसान होती हैं जो आपकी रूह कपा दें, लूटपाट का डर अलग से बना रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ खबरें सुनने को मिली जाती हैं। इस हाईवे के बारे में कुछ लोकल लोगों का ये भी कहना है यहाँ पर आपको काफ़ी नेगेटिविटी फील होगी, रात को यहाँ की खामोशी आपके अंदर सवाल पैदा करती है, आपको लगने लगता है कि यहां से नहीं आना चाहिए था। जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हैं और साइन बोर्ड लगे होने का मतलब है कि आपको पहले ही बता दिया गया है थोड़ा संभल के चलें। तो रात के 8 बजे नरेश स्वप्निल के घर अपनी स्विफ्ट गाड़ी लेके पहुंचा, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान अपने साथ रखा और निकल गए। घर से जब निकले थे तो ट्रैफिक अच्छा खासा था, थोड़ी देर में जब हाईवे की तरफ गाड़ी मुड़ी तो यहां पर मुश्किल से ही कोई गाड़ी जा रही थी। इक्का दुक्का जो गाड़ियां दिखाई दी वो भी काफी डिस्टेंस पर थी। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक चलाया हुआ था, मौसम में ठंडक थी तो शीशे नीचे कर लिए। रात के मौसम की ठंडी हवाएं सुकून देने लगी थी। इस जगह पर अंधेरा भी काफी था, 10 बजने को थे और अब यहां से चीजें डार्क होनी शुरू हो जाती हैं। इन्हें अपनी गाड़ी से काफी आगे किसी और गाड़ी की लाइट नजर आ रही थी, वो गाड़ी काफी दूर थी, एक चमकते डॉट की तरह वो लाइट दिखाई दी। दोनों साइड मिरर से पीछे देख रहे थे तो कोई और गाड़ी थी नहीं वहां। बहुत ज्यादा खामोशी थी उस जगह पर, हवाएं एकदम से तेज हो गई। हाईवे पर काफी अंदर तक आ चुके थे ये लोग,
स्वप्निल नरेश से कहता है, शीशा बंद कर लेते हैं, हवा के साथ धूल भी उड़ रही है। गाड़ी नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, आसपास जंगल है और बीच हाईवे पर चलती इनकी कार। निकलने से पहले नरेश ने पेट्रोल डलवा लिया था ताकि दिक्कत ना हो। तकरीबन एक घंटे की ड्राइव के बाद नरेश कुछ नोटिस करता है, क्योंकि ड्राइव करते वक्त ड्राइवर का ध्यान सबसे ज्यादा होता है आसपास होती एक्टिविटी पर। नरेश ने स्वप्निल को कहा, सुन यार, गाड़ी तू ड्राइव करेगा, मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे मैं थोड़ा थका हुआ हूं, शायद नींद आ रही है। स्वप्निल कहता है, ठीक है, एक बात बता, तू दिन में सोया नहीं था क्या? मैं तो सो के आया हूं, क्योंकि मुझे पता था आज रात को चलना भी है। खैर, हाईवे के साइड में नरेश ने गाड़ी रोकी। रुकते ही थोड़ी देर वो सामने देखता रहा। स्वप्निल नरेश की तरफ देख रहा था, क्या हुआ भाई, आऊं गाड़ी चलाने? नरेश अभी भी सामने देख रहा है। उसे गाड़ी से कुछ मीटर आगे एक आदमी रोड के एक साइड से दूसरी साइड जाता दिखाई दिया। अंधेरा काफी ज्यादा था। उसने देखा कोई अभी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चला गया है। इनके आगे पीछे और कोई भी नहीं। हाईवे के काफी अंदर आ चुके थे ये दोनों। नरेश ने एकदम से दरवाजा खोला, चल भाई तू ड्राइव कर, अब मैं साइड में बैठता हूं। गाड़ी की पार्किंग लाइट जली हुई थी, हेडलाइट भी ऑन थी। सामने हेडलाइट की रोशनी में कुछ झाड़ियां हिलती हुई सी नजर आईं। स्वप्निल ने कहा, चल जल्दी बैठ, ऐसी सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं है। दोनों ने एक दूसरे से सीट एक्सचेंज की और वो झाड़ियां हिलती हिलती इनकी गाड़ी की तरफ आ रही है। स्वप्निल ने गाड़ी स्टार्ट की और उस सड़क पर आगे बढ़ गए। स्वप्निल ने पूछा, क्या हुआ, तू ठीक है? नरेश कहता, यार एकदम से ना मुझे लगा जैसे कुछ तो गलत है यहां। हमारे अलावा तू देख कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही, और मैंने ये नोटिस किया है कि हमारी गाड़ी एक जगह पर बार बार घूमे जा रही है। तू बता हमें कितनी देर हो गई इस हाईवे पर आए हुए? स्वप्निल कहता है, एक घंटे से ज्यादा हो गया है। फिर स्वप्निल अपना मोबाइल निकाल के गूगल मैप में लोकेशन देखने लगा, तो इनकी लोकेशन हाईवे से 8-10 किलोमीटर अंदर ही दिखा रहा है, और पिछले एक घंटे से ये लोग 60-80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और अभी भी 8-10 किलोमीटर अंदर ही पहुंचे हैं बस। यार समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, और इतनी देर से एक गाड़ी तक नहीं दिखाई दी। नरेश ने कहा, यार एक काम कर, वापस चलें, मुझे सही नहीं लग रहा और आगे जाना। स्वप्निल ने कहा, ठीक है भाई। उसने गाड़ी घुमा ली। अब ये रोड के दूसरी साइड आ गए हैं। रात के 12 बजने को थे। थोड़ी देर तक दोनों नॉर्मल बैठे रहे कि पहले यहां से बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तकरीबन आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी वो रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। अगर ये 8-10 किलोमीटर अंदर आए थे तो अब तक तो इन्हें बाहर निकल आना चाहिए था। स्वप्निल ने अपने मोबाइल में फिर से गूगल मैप देखा और एकदम से ब्रेक लगाए। नरेश पूछता, क्या हुआ? भाई अभी गूगल मैप में देखा, अभी भी 8-10 किलोमीटर अंदर ही है हाईवे के, अब वापस जा रहे हैं तब भी मैप उतना ही डिस्टेंस दिखा रहा है, और अब यहां से टेंशन का माहौल बनता है, क्योंकि इन्हें लगने लगता है हमारी गाड़ी एक टाइम लूप में फंस गई है। ये लोग एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां ना तो इनके आगे कोई है ना इनके पीछे। स्वप्निल ने गाड़ी के मीटर की फोटो खींची और कहा कि अब चलते हैं, देखते हैं कितने आगे पहुंच गए। 10-15 मिनट गाड़ी 80 से 100 की स्पीड में चलाने के बाद फिर से मीटर देखा तो गाड़ी का मीटर 22 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था, पर गूगल मैप अभी भी उनकी लोकेशन वहीं दिखा रहा था, और ये काफी डरा देने वाली बात थी इनके लिए। ना तो ये आगे जा रहे हैं ना पीछे। धीरे धीरे पेट्रोल भी खत्म होता जा रहा था। हाईवे के साइड में गाड़ी रोकी।
एक पेड़ पर स्वप्निल ने कुछ झाड़ियां तोड़ के फंसा दी। स्वप्निल जब ये कर रहा था, उस पेड़ से चमगादड़ों की आवाज आती है। रात की खामोशी में आती ये आवाज काफी ज्यादा डरा देती है उन्हें। नरेश अपनी गाड़ी पर टेक लगा के खड़ा हुआ था, अपने मोबाइल में कुछ देखता है और एकदम से वो थोड़ा सा पीछे हुआ। ऐसा लगा जैसे गाड़ी को किसी ने धक्का देके पीछे खिसका दिया है। वो एकदम से देखता है कि गाड़ी का हैंड ब्रेक तो खींचा हुआ है ना। उस वक्त उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आया। तब तक स्वप्निल ने काफी सारी झाड़ियां पेड़ में फंसा दी थी। नरेश को कहता है, चल बैठ, हमें निकलना है यहां से। रात के 1 बजने को थे। इन्हें नहीं पता इस वक्त कितना आगे आए हैं या कितना पीछे जा रहे हैं। 15-20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद स्वप्निल ने फिर से गाड़ी रोकी। सामने वही पेड़ दिखाई दिया जिसमें झाड़ियां फंसाई हुई थी। स्वप्निल को लगता है हम उसी जगह पर वापस आ गए हैं, पर नरेश ने कहा कि ये वो जगह नहीं है। झाड़ियां वैसे ही पेड़ में फंसी हुई हैं, पर ये वो जगह नहीं है भाई। दोनों में कुछ ना कुछ बातें चल ही रही थी। इतने में सामने उस पेड़ के पास एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दे रहा था कि धीरे धीरे चलता हुआ गाड़ी के पास आ रहा है। जैसे जैसे वो गाड़ी के पास आ रहा था, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। स्वप्निल अपने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है और वो सामने से भागता हुआ गाड़ी तक आते ही गायब। ये मूमेंट ऐसा था जब दोनों इतने ज्यादा डर जाते हैं कि नरेश तो कांपते कांपते रोने लगता है और तभी गाड़ी के पीछे से नॉकिंग की आवाज आती है। स्वप्निल गाड़ी स्टार्ट करता है पर वो स्टार्ट नहीं होते और गाड़ी पीछे से ऊपर की तरफ उठने लगती है। स्वप्निल मिरर में देखता है, वहां कोई आदमी उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ा है और उसने गाड़ी को उठाया हुआ है। और जिस आदमी ने गाड़ी को उठाया है, उसका सिर नहीं था। स्वप्निल अभी भी गाड़ी स्टार्ट करने में लगा है और गाड़ी एकदम से स्टार्ट होते ही वो सिर कटा गाड़ी को नीचे छोड़ देता है। स्वप्निल का पैर एक्सीलेटर पर था। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और सामने उसी पेड़ से जा टकराती है जहां पर इन्होंने झाड़ियां फंसाई थी। स्वप्निल अपनी बंद खुली आंखों से देखता है कि नरेश गाड़ी के एयर बैग पर पड़ा है, वो हिल नहीं रहा। स्वप्निल की आंखें भी बंद होने को थी। वो साइड मिरर से देख रहा था कोई गाड़ी की तरफ आ रहा है। सिर से टपकते खून की एक बूंद जब पलकों पर आके रुकी तो उसकी भी आंखें बंद हो गई। अगले दिन जब स्वप्निल की आंखें खुली तो वो एक हॉस्पिटल में पड़ा था। वहां पर उसके घर वाले और ऑफिस के कुछ लोग थे। उसने पूछा, नरेश कहाँ है? उसे बताया गया कि उसके हाथ की सर्जरी हुई है, उसे ज्यादा चोट आई थी। होश में आने के बाद पुलिस वाले उसके पास आते हैं। वो पूछते हैं कि हुआ क्या था। वो चुप हो गया। सब उसकी तरफ देख रहे थे। उनके साथ कल रात जो भी हुआ था वो सब बता दिया, पर किसी को भी उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। फिर भी पुलिस उसका बयान लेके चली गई। शाम को जब नरेश को होश आया तब उसने भी सेम यही चीज बताई जो स्वप्निल ने बताई थी। घर वाले बोलते, ऐसा कैसे हो सकता है, सबको लग रहा था इन्होंने पी रखी होगी और नशे में एक्सीडेंट हो गया। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। आस पड़ोस में जब ये बात लोगों को पता चली तो इस हाईवे की कुछ और कहानियां बाहर निकल के आईं। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, यहां पर भी लोगों ने यही बताया, पर जिनके साथ ऐसा कहीं कुछ हो जाता है तो लोग समझ नहीं पाते। बात तो फिर वही हो जाती है, जिसके साथ कोई घटना बीतती है बस वही जानता है। यहां पर मैं अपना भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं दिल्ली से हूं और कॉलेज के 3rd ईयर में एक इवेंट के चलते मैं द्वारका गया हुआ था।
वो फरवरी का महीना था, तब ना तो इतनी ठंड थी ना गर्मी। मैं अकेला अपनी पल्सर बाइक पर था। उस टाइम पर मुझे पता नहीं था द्वारका सेक्टर 9 की कहानियों के बारे में। मैं द्वारका सेक्टर 8 मेहंदीवाला पार्क के पास से निकल रहा था। मुझे यहाँ के रास्ते भी नहीं पता थे। इस पार्क के पास एक शमशान घाट है। मैं अपनी बाइक से जब उस सड़क से निकल रहा था, ये रात 10 बजे की बात होगी, मैं एक ही लोकेशन पर बार बार घूमे जा रहा हूँ बस। और तब तो गूगल मैप वगैरह जैसी कोई चीज़ भी नहीं थी। वैसे तो रात के 10 ही बजे थे, पर फिर भी काफ़ी सन्नाटा था वहाँ। 2-3 बार शमशान के सामने से गुजरने के बाद कोई चीज़ मेरी बाइक से टकराई बहुत ज़ोर से, और मैं गिरते गिरते बचा। फिर सड़क के किनारे मैंने अपनी बाइक रोक ली, और मुझे हैरानी तब हुई जब आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो जब आसपास कोई था नहीं, फिर मेरी बाइक से टकराया कौन था? मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। सोचने लगा अब घर कैसे पहुंचूंगा। फिर मैंने ऑटो वालों से रास्ता पूछा, और ऐसे ही रास्ता पूछता हुआ मैं घर आ पहुंचा। मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आज इनकी कहानी सुनाते वक्त मुझे ये याद आ गया। इस बात को याद करके मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। तब मैं कोई हॉरर कहानियां भी नहीं सुनाता था। आज का एपिसोड एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या टाइम लूप जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? कभी आपको लगा है आप एक ही जगह पर बार बार घूमे जा रहे हैं? कमेंट्स करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं किसी और एपिसोड में। मेरा नाम प्रवीण है। दुआओं में याद रखना।